महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर मतगणना जारी है। अब तक के रुझानों में महायुति की सत्ता में शानदार वापसी होती हुई दिखाई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी नीत गठबंधन ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा जो है पार कर लिया है। महाविकास अघाड़ी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और शिवसेना यूबीटी की हालत बेहद पतली नजर आ रही है। वहीं इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र के महायुति के आधे आंकड़े को पार करने पर इसी बीच जो है यूबीटी जो नेता है संजय राउत, उनका बयान सामने आया है जहां उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है, उन्होंने हमारी कुछ सीटें चुरा ली है, ये जनता का फैसला नहीं हो सकता है, यहां तक कि जनता भी इससे सहमत नहीं है। ये नतीजे आने के बाद हम और बात करेंगे। हर चुनाव सीट पर पैसे गिनने वाली मशीनें लगाई हैं, क्या यह संभव है कि शिंदे को 60 सीटें मिली? अगर उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ महायुति पर निशाना साधा, क्या कहा सुने। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है, महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ। राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ विपक्ष यही लोकसभा के दो चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा, ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो है, गड़बड़ क्या है? अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई छेड़ो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं, आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी, हमारा एक भी नहीं गिरेगा? ये कौन सा भरोसा है, ये कौन सी है, ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है? ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को जनता को बेईमान ठहराया है। इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूँ जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है, जनता को भी जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या? ये अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है। वहीं यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। आज यानी कि 23 नवंबर को नतीजों का दिन है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जल्द ही इसका रिजल्ट जो है वो घोषित किया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं खैर उपचुनाव की विधानसभा सीट को लेकर। तो हम आपको बता दें कि खैर उपचुनाव को लेकर धनीपुर मंडी में मतगणना जो है 8 बजे से शुरू हो चुकी थी। पहले पोस्टेड वैलिड गिनती, उसके बाद ईवीएम की गिनती चालू हुई। वहीं एक राउंड में 14 बूथों की गिनती पूरी हो जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि पूरे खैर क्षेत्र में 426 बूथ हैं। 31 जो राउंड में दोपहर तक सभी वोटों की गिनती पूरी कर ली जाएगी। वहीं शाम 5 बजे खैर के नए विधायक के स्वागत की जो जनता है वो तैयारी करेगी। वहीं अब आपको हम बताते हैं कि अभी तक का जो रुझान है वो किस तरीके से है। वहीं आपको बता दें कि 17वां राउंड जो है वो चल रहा है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार जो है सुरेंद्र दिलेर वो 56,629 सीटों से जो है आगे चल रहे हैं। वहीं बात की जाए सपा के चारू केन उम्मीदवार की, तो वो 34,229 से जो है वो पीछे चल रहे हैं। वहीं बीएसपी की उम्मीदवार की बात की जाए तो डॉक्टर पहल सिंह 8,400 वोटों से अभी
चल रहे हैं। वहीं अब बात की जाए एएसपी की, तो उनके उम्मीदवार हैं नितिन कुमार चौटेल, जो कि 4,917 वोटों से जो है पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी तक जितने भी रुझान सामने आए हमारे पास, वहां पर 22,390 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जो हैं अभी तक सभी पार्टियों से आगे चल रहे हैं। अभी तक उन्होंने जिस तरीके से पकड़ बना रखी है, वो जताया जा रहा है कि जीत जो है बीजेपी की होने वाली है। देखिए, जैसे आपके सामने ही धनीपुर मंडी में सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देशों के क्रम में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। टोटल 14 टेबल लगाए गए हैं और 426 बूथ हमारे यहाँ के विधानसभा और 31 राउंड तक जो हमारे काउंटिंग के प्रोसेस हो चले हैं। और जैसे जैसे राउंड वाइज हमारे परिणाम होते जाएंगे, धनीपुर मंडी से पब्लिक अनाउंसमेंट्स भी हम लोग करते जाएंगे और जो आयोग के जो टोटल हैं उसके माध्यम से भी हम उसको आगे मीडिया के साथ भी शेयर करते हैं। पूरे परिसर में हम लोग सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करने के लिए मैजिस्ट्रेट की तैनाती भी की और अभी आपके सामने ही के प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे परिणाम होता जाएगा उसको जो विजय जुलूस वगैरह का पत्र मिला गया उसके किस कैसे देखिए, विजय जुलूस प्रतिबंधित है उसके संबंध में काउंटिंग के बाद वाले जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में अवगत कराया जा चुका है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे मजिस्ट्रेट जो पुलिस अधिकारी ने तैनात किए और जो आयोग के द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुमान कब से आने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा है कि अभी बस 8 बजे फर्स्ट राउंड स्टार्ट हुई एंड उम्मीद है कि बहुत जल्दी जल्दी जो राउंड वाइज हमारी जो गणना खत्म हो जाएगी पब्लिक अनाउंसमेंट के माध्यम से भी और आयोग के पोर्टल के माध्यम से भी हम सब आगे। देखिए, जैसे आपके सामने ही धनीपुर मंडी वही इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खैर विधानसभा सीट से जो है सैजी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि संवाददाता हैं जो हमें तमाम जानकारी देंगे। तो सैजी जी, अभी तक जो रुझान है वो बीजेपी के जो है समक्ष जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या माहौल वहां का है जरा बताइए विस्तार से। माहौल बहुत अच्छा है, सुबह से ही बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाई हुई है। पहले राउंड से लेकर 17वां राउंड चल रहा है, अभी तक बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। 22,390 वोट से बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात कही जाए तो वो दूसरे नंबर पर चल रही है। औपचारिकता काफी औपचारिकता ही रह गई है बीजेपी के लिए जीत के लिए। जी तो अभी तक जो है जैसे कि 31 राउंड जो है वो पूरे होंगे तब जाकर जो है फाइनल रिजल्ट आएगा कि कौन ने प्रचंड जीत हासिल की है। लेकिन अभी जो बीजेपी सबसे आगे चल रही है तो जो सपा बीएसपी जो भी हैं तमाम जो और भी विपक्ष के लोग हैं उनका क्या माहौल वहां दिखाई दे रहा है, क्या उनको लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत जो है माहौल अलग ही दिख रहा है क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है तो उनके मन में या क्या माहौल विपक्ष के नेताओं में बना हुआ है। विपक्ष के नेताओं की बात कही जाए तो माहौल काफी शांत नजर आ रहा है। बीजेपी की जो प्रत्याशी है जो उनके समर्थन है उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि अभी बीजेपी कार्यालय से जो खबर आई है कि वहाँ पर जीत की जश्न के लिए हवन कराया जा रहा है और वहाँ पर आतिशबाजी की भी तैयारी हो चुकी है। कुछ मुख्य बात कही जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैंपेन थी वो शुरू से ही बेहतर रही। दो दो बार मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर रहे, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो कहीं ना कहीं जो कैंपेन का फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर को यहाँ पर मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। औपचारिकता बाकी रह गई है, 18 राउंड हो चुके, 31 राउंड खुले हैं, तो 22-30 हजार से बढ़त बनाई हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर। तो सुरेंद्र दिलेर जी जो है मतगणना केंद्र पर ही उपस्थित है। जी, मतगणना केंद्र पे जितने ही प्रत्याशी हैं, पांचों प्रत्याशी मतगणना पर मौजूद हैं, अपने अपने बारी के कैंप में इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कैंप की बात की जाता हूँ तो खुशी की लहर है, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। जी सैजी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां करहल का ताज किस किस स्तर पर सजेगा इसको लेकर शुरुआती रुझान आना शुरू हो गए हैं। अभी तक के आंकड़ों में सपा प्रत्याशी जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। जल्दी साफ हो जाएगा कि आखिर जीत का सहरा किसके सर पर सजेगा और किसे हार से संतोष करना पड़ेगा। करहल में 9वें राउंड की मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उलट फेर कभी भी हो सकता है इसका अनुमान जो है वो जताया जा रहा है और माना भी जा रहा है कि अभी तक जिन क्षेत्रों के वोट खुले हैं वहां सपा का दबदबा जो है वो अभी तक बरकरार है। वहीं भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव की जिन क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है वहां की ईवीएम का नंबर आने वाला है। वहीं आपको अभी तक के जितने भी करहल सीट पर जो रुझान है वो कहां तक पहुंचे हैं क्या है वो आपको मैं जरा बता देती हूं। अब बात की जाए तो करहल विधानसभा सीट 110 16वें राउंड के नतीजे जो हैं इसमें साफ होंगे, इसके बाद जो है वो पता चलेगा कि कौन की जीत हुई है कौन की हार। वहीं आप बात की जाए तेज प्रताप यादव की जो कि समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं वो 25,939 वोटों से जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि अभी तक उनको कुल जितने भी वोट मिले हैं वो है 55,655, जहां पर उम्मीद जताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी पकड़ जो वहां बनाई हुई है उससे तो ये साफ जो है वो जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना दबदबा करहल विधानसभा सीट पर कायम रखेगी। वही कोलाबा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का कहना है कि मेरे अनुसार महायुति 175 सीटें जीतेगी, जिनके जिन्होंने साफ कह दिया है कि महायुति जो है महाराष्ट्र में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आने वाली है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा जरा सुनिए। बाप्पा के दर्शन लेने आज यहाँ आए है और बाप्पा के चरणों में यही प्रार्थना की है कि इस राज्य को महायुति का की सरकार प्राप्त हो जिससे राज्य की जनता को न्याय मिले और राज्य प्रगति पथ पे चलता रहे। सर, दो मुद्दों को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, एक नंबर यानी आंकड़ों को लेकर और दूसरा सीएम फेस को लेकर। बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा क्योंकि फडणवीस का नाम लगातार आप पुश कर रहे हैं। नहीं देखिये, हम ये चुनाव युति में लड़ रहे हैं और युति में जो प्रमुख तीन पार्टियां हैं वो तीनों पार्टियां चाहती है कि अपना उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, उनका काडर चाहता है कि अपना नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन युति में जब हम चुनाव लड़ते हैं तो ये सत्य रहता है जिसके सारे को स्वीकारना पड़ेगा कि युति में टोटल रिजल्ट देखने के बाद जो निर्णय युति के नेता लेंगे वो सभी स्वीकार करेंगे। महाविकास अघाड़ी 165 प्लस सीटों का दावा कर रही है, मेरे हिसाब से 175 पौने 200 सीट महायुति जीतेगी। सर, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि रिजॉर्ट्स बुक हो चुके हैं, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। मुझे अभी तक कोई बुकिंग कंफर्मेशन मिला नहीं है। सर, फक्त विजुअल दोनों। ओके। वहीं उद्धव ठाकरे गुट महेश सावंत के उम्मीदवार ने सिद्धिविनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पर पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने कहा कि सिद्धिविनायक हमारे आराध्य देवता हैं, हम जो भी शुभ कार्य करने जाते हैं उससे पहले हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। तो आज मैं सिद्धिविनायक मंदिर आकर भगवान से मैंने कहा कि मेरे मन में जो भी था वह आपने मुझे दिया है, मुझे शुरू से कुछ चुनौतियां नहीं लगी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें पता है कि दिन रात कौन जनता की सेवा कर रहा है। सिद्धिविनायक के चरण में आके मैंने आज बोला कि भगवान आज जो मैंने मन में मेरे था वो आपने मेरे को ऑटोमेटिक दे दिया है, इसलिए भगवान को भी मालूम है कि आज महेश सावन को क्या बनना है और उनको उनके हाथ से कितना जन की सेवा करना है ये भगवान ही जानते हैं। मेरे को शुरू से चैलेंजिंग कुछ ऐसा लगा ही नहीं क्योंकि मेरा संबंध है सर्वसामान्य लोगों से, क्योंकि मेरे को पूरा 100% कॉन्फिडेंस का जो ये लोग रहते हैं जो चाल में वाड़ी में और सोसाइटी में हर एक। शिवसेना नेता और मुंगबा देवी सीट से उम्मीदवार शायना एनसी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणामों पर कहा कि मां मुंबा देवी का आशीर्वाद तो हमारे साथ ही है, लेकिन मुंबई कर होने के नाते हम यहां आज सिद्धिविनायक का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यही एक लक्ष्य है कि महायुति की सरकार आए और हम जनहित में सेवक और सेविका के रूप में काम करें। लोगों ने हम पर विश्वास जताया है जिसे हम बखूबी निभाएंगे।
स्टेट सरकार इकड़े महाराष्ट्र I think that too many changes required. 15 years you had an MLA, but no development at all. Cluster redevelopment and housing is the biggest issue for people in Mumbadevi. If you look at women, what do women want? They want safety, security. There are no hospitals, there are no schools. Unfortunately, open spaces is a distant dream. So I think an entire blueprint needs to be chalked out with a proper development plan to make it into a model constituency, because unfortunately today it's probably the most backward constituency in Maharashtra. How did you reach the voters there, since demography plays a very significant role and Armin Patel? You know, I have never played divisive politics. I've tried to take everyone along in every sense. But having said that, there are certain parties that only appease vote banks and play pseudo-secular politics. I think we need to move beyond that. The time has come to only talk about development, and the younger generation understands that. The women have been so inspired by the Chief Minister's Ladki Behan Yojana and the kind of applause that women have given to this scheme, because their lives have been empowered. So in Mumbadevi, of 40,000 women, you have 15,000 Ladki Behans, which are Muslims. So everyone has come along and supported, and I'm sure it will be a historic victory. माँ मुंबा देवी का आशीर्वाद तो हमेशा लेते हैं, लेकिन मुंबईकर होने के नाते गणपति बाप्पा मोरिया, तो सिद्धि विनायक में यहाँ गणपति बाप्पा का आशीर्वाद लेके यही एक लक्ष्य है कि महायुति की सरकार आए, हम जनहित में काम करें सेवक और सेविका के रूप में, और देखें कि भारत एक विकसित भारत के तरफ और महाराष्ट्र एक प्रगतिशील रफ्तार से, जैसे डेढ़ साल में हमने देखा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार को, और माननीय प्रधानमंत्री के इतने सारे लाभार्थी स्कीम्स हैं, तो लोगों ने विश्वास जताया है। प्रचार के समय बहुत बड़ा उमदा प्रतिसाद जो है आपको मिला, उसका मतों में रूपांतरण हुआ होगा ऐसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि मत जरूर मिलेंगे। लोगों को पता है कि मैं सच्चाई के साथ काम करना चाहती हूं, और जो काम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने किया उसका लाभ फायदा जरूर है, लेकिन जनता जानती है कि जब 15 साल आपने एक नेता को मौका दिया जहां एक क्लस्टर रीडेवलपमेंट नहीं, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं, एक स्कूल नहीं, एक अस्पताल नहीं, बेसिक अमेनिटीज नहीं, अभी भी वहीं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि हम झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में ही जीतेंगे। इसके पीछे का कारण महाराष्ट्र में ईडी गठबंधन द्वारा किया गया सांप्रदायिकता का नग्न नृत्य है। जो सरकार थी झारखंड में, मैं कह रहा हूं झारखंड भी हम जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेंगे। कारण ये है, ये हिंदी सरकार ने इन्होंने जो नंगा नृत्य। वहीं हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर कार्यालय पहुंचे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने लोगों की वहां जाकर समस्याएं भी सुनी। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैंने आज हमीरपुर में अपने कार्यालय में स्थानीय लोगों से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुलाकात की है। कुछ लोग अपने मुद्दों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने उन्हें दिशा समिति की बैठक में आमंत्रित किया है, ताकि ये मुद्दे तब उठाए जा सके जब सभी संबंधित अधिकारी वहां मौजूद हों। स्थानीय लोगों के जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए आज हमीरपुर अपने कार्यालय में सबसे भेंट भी हुई, और कुछ लोगों को जो मुझे लगता है कि संबंधित अधिकारियों के साथ विषय उठाने वाले हैं, मैंने उनको दिशा कमेटी की मीटिंग में भी निमंत्रण दिया है, ताकि सब संबंधित अधिकारी वहां पर होंगे। एक दो मुद्दे जो वहां उठाने वाले हैं उनको वहां पर रखा जाएगा, उसके अलावा बाकियों के लिए प्रयास रहेंगे कि जल्द से जल्द उनको दूर किया जाए। कुछ विकासात्मक कार्य हैं, कुछ अन्य कार्य हैं, उन सबको लेकर उचित कार्रवाई की जाए। स्थानीय लोगों के
वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण रोधी उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में देर रात निरीक्षण किया। वहीं गोपाल राय का कहना है कि अब सरकार दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। ग्रेप 4 लागू होने के साथ ही उन वाहनों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है जो प्रदूषण फैलाते हैं। आज हमें कई शिकायतें मिली हैं कि वाहनों के प्रदूषण को कम किया जा रहा है, उचित जांच के बिना दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, इसलिए मैं इसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ खुद आया हूँ। देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। अभी दिल्ली के अंदर भी दिल्ली में जितने वाहन हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको ग्रैप 4 के तहत जो है एंट्री बैन है। जो दिल्ली में सीएनजी इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, BS6 की हैं, उनको एंट्री है। बाकी जो ट्रक्स हैं उनकी एंट्री बैन की गई है। आज कई जगह से ये कंप्लेंट आ रही थी कि बॉर्डर्स पे बिना चेक किए ही गाड़ियों की एंट्री मिल रही है, तो आज हम यहाँ पर नरेला बॉर्डर पे देखने के लिए आए हैं कि रात में किस तरह की व्यवस्था है, कैसे चेक किया जा रहा है। अभी जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने जो हमें जब दिखाया है कि लगभग 18 तारीख से एवरेज अगर हम देखें तो किसी दिन 130, किसी दिन 35, किसी दिन 150, किसी दिन 165 गाड़ियां जो है यहां पर बॉर्डर से रिटर्न की जा रही हैं। जो लोग नहीं मानते हैं उन लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि चाहे वो ड्राइवर्स हों, ट्रक ओनर्स हों, कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण की रोकथाम के लिए गाड़ियों पर अभी एंट्री बैन है, इसलिए इस तरह की गाड़ियां ना भेजें। जो एक्सटर्नल वेस्टर्नल पेरिफेरियल है वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दें, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है उसमें कमी लाई जा सके। अधिकारियों से भी मेरा ये निवेदन है कि सभी बॉर्डर पे जो है जब तक ग्रैप 4 लागू है मुस्तैदी से ड्यूटी करें और किसी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि हम अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आज प्रदूषण पूरे उत्तर भारत में, इसका विस्तार चाहे वो उत्तराखंड का मैदानी इलाका हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। वहीं 16 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने पुंछ लिंक अपडे में भाग लिया, जो सीमावर्ती जिले और शेष भारत के बीच ऐतिहासिक सैन्य लिंक अप की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पुंछ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया था। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा का कहना है कि ये दिन हमें एक ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जो हमारे स्वाभिमान, बलिदान और एकता का जीवंत उदाहरण है। मैं उन बहादुर सैनिकों और गुमनाम नायकों को सलाम करता हूं जिन लोगों ने अपने बलिदान और सहयोग से क्षेत्र की रक्षा की। 1947 में पाकिस्तानी आदिवासियों ने इस क्षेत्र को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना और पुंछ राजौरी के लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र की रक्षा की। हमें एक ऐसे ऐतिहासिक समय के बारे में याद दिलाता है जो हमारे स्वाभिमान, बलिदान और एकता एक जागती मिसाल है। मैं उन वीर सैनिकों और अवाम के अनसंग हीरोज को अपना प्रणाम और सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने बलिदान और सहयोग से इस इलाके की हिफाजत की। 1947 फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।